मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में यह मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के है कोई ऐसा? जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहां घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा, पर संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा। चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूं। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता। मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है भग गया तो उसकी भी चिंता है, इसलिए बांध कर लेते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नामक का ब्राह्मण चिढ़ रहा, क्रोध कर रहा, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है, मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आई कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाया। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने टेंट में अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा ये लड्डू काहे के, तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा ये बूंदी के लड्डू है। द्वारिकाधीश ने कहा ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं, ये नुक्ति के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं, लड्डू काहे के।
तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के, तो के ये बूंदी के ही है। अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काहे का है। फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काहे के। फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा रहा। अच्छा, क्यों बंटवा रहा? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगा कर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप क्या बात है? भगवान ने कल द्रौपदी लड्डू खाए। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोती चूर के है। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा, लड्डू काहे के? भगवान बोले, मोती चूर के है। अब द्रौपदी ने पूछा, इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है, और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा, मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा, तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तुम्हें लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा, लाओ मेरे को 2 लड्डू और, दो तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए, तो द्वारकानाथ ने कहा, द्रौपदी तेरा पति मरने वाला है और तू लड्डू खा रही है। द्रौपदी बोली, जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा है? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते, मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता, रथ साला चला रहा है। गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जी जी बैठिए, आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाएगी उसको क्या। एक पति पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, रुपये जोड़ रहा हूँ। पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला, नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दे, अब तुम इसको भी जोड़ लो, लो। अब भगवान ने कहा, ले ये लड्डू। द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा, आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला है? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती, उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, जीवन भर कुंवारा रहूंगा तो कुंवारे रहे। अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है, द्वारकाधीश ने कहा, द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं? द्रौपदी ने कहा, रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तो मरने नहीं देगा, ये पक्का। श्री शिवाय नमस्तु। इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।